तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो बेसिकली यूनिट 5 का ये क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन विद सुटेबल स्केच। यानी हमें क्या करना है, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन को डिफाइन करना है और उसका सुटेबल स्केच भी हमें बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितने भी नंबर उठते हैं वो बेसिकली स्केच पे ही उठते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आंसर इसका क्या है। डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, तो आपका स्टीम इंजन क्या है? स्टीम इंजन इज ए स्लो स्पीड रेसिप्रोकेटिंग मशीन। स्टीम इंजन आपका क्या है? एक प्रकार का स्लो स्पीड रेसिप्रोकेटिंग मशीन है, जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी ऑफ स्टीम को मैकेनिकल वर्क में। इट इज डेवलप्ड बाय द जेम्स वाट इन 1763। यानी ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये जेम्स वाट के द्वारा डेवलप किया गया 1763 में। द स्टीम यूज्ड एज अ वर्किंग फ्यूल, यानी जो स्टीम है आपका वो वर्किंग फ्यूल के यूज में यूज किया जाता है। विच इज प्रिपेयर्ड आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, जो कि इंजन सिलेंडर के आउटसाइड में क्या करता है, ये बनता है किसमें, इन द बॉयलर में। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल कंबंशन। यानी स्टीम इंजन को हम एक्सटर्नल कंबंशन के भी नाम से जानते हैं। तो ये इसका बेसिक सा नेट स्केच है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, डायग्राम ज़्यादा वास्ट नहीं है, इजी वे में डायग्राम है, आप आसानी से इसे एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई प्रेशर स्टीम दिख रहा होगा जिसमें स्टीम इन करेगा, और दूसरा आपका ए दिख रहा होगा स्टीम चेस्ट, और ये आपका नीचे पिस्टन दिख रहा होगा, आउटलेट सेंटर पर पिस्टन लगा हुआ है, और ऊपर का जो पार्ट है वो डिसलाइट बल्ब है, और ये आपका स्टॉपिंग बॉक्स हो गया, और उसके बाद आपका ये नीचे जो लगा हुआ है वो कनेक्टिंग रॉड है। ओके, इसके अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग कह रहा है कि इट इज़ अ डबल एक्टिंग टाइप रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। इन दिस सिस्टम द पिस्टन कंसीडर एज आउटडेट सेंटर। इस स्टीम में जो पिस्टन होता है इसे हम आउटडेट सेंटर पे कंसीडर करते हैं। द हाई प्रेशर स्टीम फर्स्ट कमिंग आउट फ्रॉम द बॉयलर। जो हाई प्रेशर स्टीम होता है सबसे पहले क्या होता है, वो बॉयलर से आउट होता है एंड इंटर इनटू स्टीम चेस्ट, और बॉयलर से बाहर निकलता है और स्टीम चेस्ट में क्या करता है, वो इंटर करता है एंड डिसलाइट बल्ब एंड ओपन स्टीम पोर्ट ए, और उसके बाद वो क्या होता है, डिसलाइट बल्ब में जो पोर्ट ए लगा होता है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, द हाई प्रेशर स्टीम इंटर इन द इंजन सिलेंडर थ्रू पोर्ट ए, और हाई प्रेशर जो स्टीम होता है वो इंटर करता है इंजन सिलेंडर में किसके थ्रू, पोर्ट ए के थ्रू, आपके जो पोर्ट ए है ए के थ्रू इंटर करता है एंड फोर्स टू पिस्टन फ्रॉम ओडीसी टू आईडीसी, और वो पिस्टन को क्या करता है, फोर्स करता है कहां से, आउटडेट सेंटर से इन डेट सेंटर की तरफ एंड प्रोड्यूस वर्क, और साथ ही साथ वर्क भी प्रोड्यूस करता है। द पिस्टन रीच्ड एट आईडीसी एंड राइट साइड ऑफ पिस्टन स्टीम रिमूव फ्रॉम सिलेंडर थ्रू स्टीम पोर्ट बी एंड एग्जॉस्ट पोर्ट। ओके, नाउ डी स्लाइड बल्ब ओपन स्टीम पोर्ट बी, और उसके बाद जो डीप स्लाइड बल्ब होता है वो ओपन होता है किसके थ्रू, स्टीम पोर्ट बी के थ्रू एंड क्लोज स्टीम पोर्ट ए, और उसके बाद जब बी ओपन होता है तो एक जो पोर्ट होता है आपका वो क्लोज हो जाता है। द हाई स्टीम इंटर्ड इन द सिलेंडर थ्रू पोर्ट बी, तो उसके बाद जो हाई स्टीम इंजन में होता है वो सिलेंडर इंजन के सिलेंडर में इंटर करता है किसके थ्रू, पोर्ट बी के थ्रू एंड फोर्स पिस्टन अपवर्ड फ्रॉम आईडीसी टू डीडी ओडीसी एंड प्रोड्यूस वर्क, और ये प्रोसेस आपका क्या होता है, दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, आई होप स्टीम इंजन का ये वर्किंग आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।